यह है आज की बड़ी अपडेट। जापानी न्यूज निकल के आ रही है कि दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर हुई शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया में थर्ड वेव शुरू होने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें संगठन के चीफ ने देशों को चेतावनी दी है कि वे कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती फेज में आ चुके हैं। दोस्तों उन्होंने दोहराया है कि सिर्फ वैक्सीनेशन से महामारी को नहीं रोका जा सकता है, देशों को इससे निपटने के लिए लगातार सावधानी रखनी होगी। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की मीडिया विंग का कहना है कि दुनिया भर में लगातार चौथे हफ्ते कोरोना के मामले में बढ़त दर्ज हुई है। दोस्तों 10 हफ्ते गिरावट के बाद मौतें भी दोबारा से बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें WHO चीफ ने कहा है कि वायरस लगातार खुद में बदलाव कर रहा है, इसके साथ ही वायरस ज्यादा संक्रामक होता जा रहा है। दोस्तों उन्होंने बताया है कि डेल्टा वेरिएंट अब WHO के सभी 6 रीजन और 111 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। दोस्तों यह जल्द ही पूरे दुनिया में फैल सकता है। वायरस का अल्फा वेरिएंट 178 देशों में, बीटा वेरिएंट 123 देशों में और गामा वेरिएंट 75 देशों में मिल चुका है। दोस्तों लगातार कोरोना के केस वापस से बढ़ने लगे हैं। इस दौरान इंडोनेशिया में 45%, ब्रिटेन में 28%, अमेरिका में 67% और स्पेन में 61% तक मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें साउथ ईस्ट एशिया रीजन में मौतों के मामले में भारत सबसे आगे है। दोस्तों भारत के बाद इंडोनेशिया और बांग्लादेश है। दोस्तों अगर बात करें भारत की तो भारत में 20% जिलों में दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है। दोस्तों हमारे इस भारत में वैक्सीनेशन काफी तेज से हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों कई रिपोर्ट का ये कहना है कि सितंबर के महीने में थर्ड वेव आ सकती है, लेकिन दोस्तों हम इस न्यूज की मदद से आपको ये बताना चाहते थे कि दुनिया में थर्ड वेव शुरू हो चुका है, कई देशों में केसेस वापस से बढ़ने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अगर हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और सेफ्टी मेंटेन करेंगे तो हम इस महामारी से बच भी सकते हैं ना। तो आपको न्यूज़ के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।